अति सावधान पूर्वक तय हुई तबे ना यहाँ जो कारबा कल से चल पड़ी थी स्पेस टाइम पे थे वो कारबा इस फाइनल मुकाबले के साथ थम जाएगी। एक बहुत इन बेहतरीन गोलकीपर के द्वारा बहुत एक्सलेंट शॉट लेकिन बहुत कमाल का बेहतरीन गोलकीपर के द्वारा इसमें इसलिए रन मिल सकता है इसलिए हैंडबॉल का इशारा दस नंबर जोशी के द्वारा गेंद हाथ से छूटी हुई इस समय और दस नंबर जर्सी के खिलाड़ी ये है रंजन राज हैंडबॉल यहाँ भी किया करार और हैंडबॉल क्रिकेट का दबाने के लिए अपने हिसाब से एक बार फिर से मेजबान टीम के खिलाड़ी केशव प्रधान के खिलाड़ी इस समय सीधा सा सेंटर लाइन के ऊपर से गेंद पर बात की थी कि आठ नंबर जर्सी के लिए गेंद को लेकिन आठ नंबर जर्सी यहाँ एक अच्छा है उनके पाले में गेंद देखना है यह वीर बंदा के खिलाड़ी बहुत ही कमाल के खिलाड़ी रहे हैं इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है उनके खिलाड़ी के द्वारा और नतीजा उन्होंने खासकर मैदानी जंग से ही ढूंढा है और यहाँ भी मेजबान टीम को कम आका नहीं जाना चाहिए इससे क्या कहना चाहेंगे सरपंच जी इन दोनों टीमों के ऊपर कैसा लग रहा है यहाँ से मैदानी गोल देखने के लिए आतुर है बेकरार है दर्शकों और ये शुरुआती तनाव है शुरुआती क्षण है यहाँ से अगर कोई भी टीम निकालती है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा चुनौती होगा क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर बोलने का तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन जो हाँ पुट मी ऑन ऑन मी सो बहुत ही खिलाड़ी जो दोनों ही खिलाड़ी में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बहुत ही यही छोड़ का मेहनत करना पड़ेगा बहुत ही कठिन परिश्रम करने के बाद ही आप मंजिल को पहुंच पाएंगे तो दोनों ही टीमें मेरी तरफ से गुड एडवाइस रहेगी गुड लक रहेगी और दोनों ही बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा समी यहाँ से दैट नथिंग इज पॉसिबल इफ यू वर्क हार्ड सो बोथ ऑफ यू कम ऑन गुड लक ऑल ऑफ यू एंड मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वर्क हार्ड जी हाँ सही मायने में सही फरमाया आपने और बच्चे जितनी मेहनत करेंगे उतनी रंग लाएगी लेकिन मेहनत सब रंग लाती है देखने वाली बात होगी यहाँ बहरहाल ये शुरुआती दौर है शुरुआती क्षण है और जिससे जिससे पहले हम का समय बीतेगा खिलाड़ी रिदम पे आएंगे और रिदम पे सबसे जरूरी होता है रिदम रिदम को अगर पकड़ लिए और पास ऑफ टाइमिंग थोड़ा बातें अगर बेहतर हो रही है खिलाड़ियों के बीच में तो बहुत ही ये मुकाबला कष्ट कष्ट रहेगा और यहाँ मौका इस समय बहुत अच्छा मौका था लेकिन ओके तो जवाब है यहाँ मेरे बात की खिलाड़ी दूसरे का खान के लिए अवसर था गोल कर गोल स्कोर बनाने का लेकिन चुके वहाँ उनके डिफेंस लाइन एक बार फिर सुपर खिलाड़ी के बीच गए झूठा हुआ इस समय लेकिन घुसल बनी रहती पवन जी का इस बीच एक जी हाँ और छोटा पास समांतर पास बनाने का प्रयास इस समय छोटे नंबर जैसे के लिए गेंद को निकाला है कुछ समय अंदाज में गेंद को काफी समय छोटे नंबर चौदह नंबर जिसके खिलाड़ी ने सुरेश मुर्मू ने गेंद को निकाला था साथी खिलाड़ी के लिए मेरा एक बार फिर से बॉल पोजीशन इस समय तो से बता के पास बॉल पोजीशन सात नंबर जिसके खिलाड़ी बहुत ही अच्छे रफ्तार से अच्छी तरह से वहां गेंद को आगे ले जाते थे इस समय लेकिन उतनी चपटता के साथ अच्छा इंटरसेप्शन का जो सकता है देखने को मिला लेकिन सारी यहां मौका इस समय लेकिन यहाँ एक ऑफसाइड का इशारा और एक बार फिर से खेल गतिमान सुलेमान होता हुआ इस समय लेकिन बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है और ये लाजमी होता है कि जब आप बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पे खेले जाते हैं तो सब कुछ पासिस के जरिए बातें बनती है और यहाँ जैसे ही खेल के दौरान देखा गया शुरुआती क्षण में जैसे प्रधान जो की मेजबान टीम है इस टूर्नामेंट के तो उनके खिलाड़ी जो रिदम पकड़ा है जो पास बना रहे हैं काफी एक्सीलेंट पास है और यहाँ इस थोड़ा सा कंडीशन को थोड़ा नहीं चाहेंगे घंटा जो कि अभी मैदानी गोल बना लिए हैं इस मैदान पे तो उनको तो चाहिए कि वो रिदम को खोए नहीं के लिए अपने हाथ से मेजबान टीम को
लेकिन यहाँ गलती मत हो है, यहाँ भूल बना लेते, भूल स्कोर बना लेते तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक इंसिडेंट होता, उनके नाम जाता है। और ये फाइनल मुकाबला, खासकर ये जो फाइनल मुकाबला देख पा रहे हैं आप सभी खिलाड़ियों के लिए तो काफी कुछ ये मुकाबला है, क्योंकि 5,000 का डिफरेंस है यहाँ इनामी राशि में। मैं बताना चाहूंगा जो लीडर टीम को 15,000 और रनर टीम को 10,000 के बीच का जो फासला है 5,000 का है, तो समझ लीजिए कि ये 5,000 का प्रश्न चलता हुआ इस समय कि कौन सी टीम आपके पास 5,000 के घाटे में रहेगी। और देखना पड़ेगा। जी हाँ, कॉर्नर मिल चुका है इस समय, जो क्लियर तो लेकिन कॉर्नर से अपने आप को नहीं बचा पाए, और बहुत सुंदर एक अच्छा मौका, गोल्डन चांस, लेकिन सोनी पे सुहागा थोड़ी सी अगर डाल दो तो चमक जरूर आएगी। ये जान लीजिए अगर यहाँ से गोल बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत अच्छा एक बड़ा अवसर यह है, देखना पड़ेगा। मेजबान के खिलाड़ी ने गेंद लेके निकला, दिशा हिंसा गेंद निकले सीधे दस्ते के काटे और गेंद निकल गई गोल लाइन के बाहर। एक बार फिर से यहाँ लेकिन दूसरा एक बार फिर से चांस मिला हुआ है कॉर्नर शॉट जमाने के लिए, शायद जल्दबाजी की है नौ सूटर ने, जिसका एक बार फिर से और अच्छा क्लियर नहीं है दिशा हिंसा फिर से गेंद। क्योंकि बार अगर दिशा हिंसा शॉट आप निकालते हैं तो वो अच्छी खिलाड़ी की अच्छी पहचान होती नहीं। यहाँ बहुत बेहतरीन शॉट डिफेंस एरिया में उनको डिस्पेच करना था, लेकिन कहीं ना कहीं दिशा हिंसा शॉट के लिए और बेकार चले गए। एक बार फिर से और एक दूसरे पर दबाव बनाने का प्रयास भी करनी चाहिए खिलाड़ियों को। समान रूप से अगर देखा जाए तो दोनों टीमें पूरी टीमों का बदला एक समान लग रहा है, अभी दोनों का चांस एक अच्छा से दोनों टीमों ने खोला है, जाकि बोल स्कोर बनाने के लिए बहुत ही काफी मोशन उन्होंने खो दिया है उस स्तर को, और फिर से एक बार प्रयास करिए उस स्तर को। एक बार फिर से राइट लेग वेदा के तुम साइड लेग के ऊपर से आकर के खिलाड़ी, लेकिन जिस अंदाज से टेकल कर रहे थे रन टेकल का परिणाम या फाइल करा दिया गया है इस समय, और फाइल क्रिकेट शॉट जमाने का एक मौका मैदान के पूरी साइड लाइन मिड लाइन के ऊपर है, लेकिन फोन जी का इशारा और फसल बड़ी है रेफरी का, यहाँ रेफरी की स्टेट पर फाउल फ्री की स्टेट फिर से एक बार बहुत बेहतरीन होगा, यहाँ टारगेट के ऊपर दिशा देना चाहिए और सभी भी शॉट जब जब चाहेंगे शूटर मेजबान टीम के लिए अवसर है और खतरा हो सकता है इस समय के लिए।
फिर बंदा के तमाम खिलाड़ी पोजिशन पे है, वहीं कोई फायदा नहीं, वो ताकत का इस्तेमाल किया जो ऊर्जा जाहिर की खिलाड़ी ने, वो बेकार जाता हुआ इस समय। जी हाँ।